पढ़ा जाओ का अबे तुम सिलो चला थी कि सिलो चला क्या बहन कहाँ भर जाए अबे आधी आधी नहीं भाई जाना आधी नहीं भाई अरे हाँ सिलो भाई बहुत ज़्यादा। नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहन। मेरे माँ बाबूजी के चरणों को छू करके उनका आशीर्वाद लेके आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज देखिए दोस्तों, चल रही है यहाँ पे सफाई अभियान। तो आज सुबह से ही हमारी सफाई अभियान चालू हो गई है और अभी पानी ख़त्म हो गया था तो इन्होंने पाइप लगा के भर रहे हैं ये। तो फिर छत पे वैसे पानी लाना बाल्टी से कई बार आना जाना मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन लाती हूँ मैं भी, लेकिन 2-4 बाल्टियाँ लाती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो इसको धोने में ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी तो इन्होंने पानी लगा रखा था पाइप से, तो वहाँ से आ रहा था पानी मोहल्ले से। तो हमने कहा कि चलो आज दोनों छत को धो देते हैं और यहीं पर बैठना होता है, उठना होता है, खाना यहीं पर बनता है। तो सब लोग बच्चे यहीं पे खाते हैं, तो किसी ने चाय गिरा रखा था, किसी ने कुछ, तो इसीलिए हमने सोचा आज इसकी सफाई कर देते हैं। और मानसी यहाँ पे हमारे पास ही है तो हमने कूड़ा कचरा बटोर करके रखा हुआ था, तो हमने कहा बेटा इसको ले जाओ तुम ही फेंकाओ। तो गुस्सा हो गई थी गुस्सा हो रही थी कि मम्मी मुझे काम बता दी है। तो मैंने कहा अभी नीचे जाऊँगी आऊँगी जब तक मेरा कुछ काम हो जाएगा। तो ये भी नहाने के लिए तैयार हो गई है, ये वाला छत हमने धो के साफ कर दिया है। और यहाँ ये वाले तो इस पर तो हम पानी मारते रहते हैं, 2-4 बाल्टी मार देते हैं, साफ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना हमारी बकरियाँ रहती हैं तो डेली उठने के बाद साफ, मतलब झाड़ू लगाने के बाद, यहाँ पे रेड़ी वगैरह फेंकने के बाद, साफ सफाई करने के बाद यहाँ पे बाल्टी से पानी मार दिया जाता है। तो हमने छत को साफ कर दिया है और चलते हैं अब नीचे। ऊपर से बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है देखने में, आइए चलते हैं। तो ये देखिए आज गैस की गाड़ी भी आ गई है, तो पिछले कई दिनों से सिलेंडर खाली पड़ा था तो आज फाइनली भर गया है। तो ये थे मौके से तो इन्होंने ले आके ये रख दिया है घर में। चलिए चलते हैं, हमें भी खाना बनाना है। दोस्तों आज मिक्स वाली सब्जी बन रही है और 3-4 चीज़ें मिक्स करके बनाएंगे, आलू, तरोई, चने, टमाटर, सोयाबीन भी देखते हैं अभी डालना है कि नहीं, डाल देते हैं। तो कोई भी सब्जी हो मिक्स करके बना लो तो फिर अच्छा लगता है और रोज़ रोज़ वही चीज़ें, मतलब थोड़ा सा उब भी जाते हैं। कुछ नई चीज़ें बनाओ तो बच्चों को भी अच्छा लगता है। ये छिलके रखे हुए इसकी भी सब्जी बनती है भुजिया, तो भुंजिया बना लेंगे हम उसको सबसे लास्ट में। तो पहले तो हम सारी सब्जियों को धो लेंगे। आलू भी हमने काट लिया है, 3-4 मीडियम साइज़ की आलू हमने काट ली है और टमाटर भी हमने ले रखा है। चने भी हमने काले वाले चने हैं भिगो करके शाम को रख दिया था, काले वाले, ये सुबह खाने को भी हो जाता है सबको और बच गया था, मैंने कहा लाओ सब्जी में डाल देते हैं। वो जो सफ़ेद वाले होते हैं ना काबली चने, छोले वाले सफ़ेद, तो वो भी डाले जा सकते हैं। तो 1 किलो हमारी तरोई थी, हमने सब कुछ धो के एकदम से फिट कर लिया है और मसाले पीस लेंगे फिर चलेंगे अपने चूल्हे पे। जो काम है आग पहले जला दो तो फिर सब कुछ संभाल पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चूल्हे की आग इतनी तेज़ जल जाती है ना तो सारा काम मतलब इधर उधर हो जाता है। पहले सारी तैयारियाँ करके रख लेते हैं फिर चूल्हे में आग जला देते हैं तो ठीक रहता है। यहाँ पर हम मसाले पीसने के लिए आ गए हैं। हरी मिर्च हमने ली है, लहसुन लिया है, अदरक लिया है, इन सबको कूट करके पीस लेते हैं फिर चलते हैं रसोई में। तो दोस्तों आ गए हैं चूल्हे पे और मिट्टी लगा ली हमने कढ़ाई में,
और इधर हम पन्नी ले लिए हैं, नैन्सी यहाँ पे है तो उनसे हमने पन्नी ले लिया। इसी तरह से कभी पन्नी से कभी लकड़ी से लगा करके आग जला लेते हैं। तो देखिए कितनी जल्दी, बारिश का सीजन है लेकिन जब ईंधन सूखे रहते हैं ना तो बहुत अच्छे जलते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होता है बारिश में, लेकिन ठीक है, अच्छा काम करता है। जब धूप तेज निकलती है तो दिखा देती हूँ धूप, तो फिर काम हो जाता है। और तेल देखिए हो गया है इधर, तो हमने प्याज डाल दिया है और जीरा डाल दिया है। इन सबको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। और टमाटर हमने डाल दिया है तो टमाटर को गलने देंगे। इसमें हम नमक डालेंगे जिससे कि जल्दी से हमारा टमाटर गल जाए। और टमाटर को चाहो तो बाद में भी डाला जा सकता है, लेकिन पहले से तेल में मसालों के साथ टमाटर को भूनने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, अच्छा लगता है, मतलब बदल जाता है एकदम से इसका टेस्ट। तो हम यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा डाल रहे हैं, काली मिर्च पाउडर है तो ये ना तीखी ज़्यादा हो जाती है तो सब्जी में थोड़ी सी ठीक रहती है। लाल मिर्च पाउडर है, ख़त्म हो गया है, हमें इसको भी मंगवाना है क्योंकि जब सेकेंड चैनल की रेसिपी वगैरह रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें हमें ये ठीक रहता है, तो मंगवाना है इसे। थोड़ा सा हमने इसको भी डाल दिया जब कलर चेंज हो जाए, अच्छा लगता है इसका कलर, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। यहाँ पे हमने हल्दी डाल दिया है, धनिया पाउडर, हल्दी, ये हमारे खुद के बनाए हुए मसाले हैं तो इसमें सारी चीज़ें रहती हैं। और हल्दी हमने थोड़ा सा और डाल दिया है ऊपर से, तो सारी चीज़ों को देखिए अच्छे से भून लिया है। चने को हम पहले डाल दे रहे हैं मसाले भूनने के बाद। चने को भूनने से ना बड़ी सौंधी सौंधी सी सब्जी लगती है, जब मुंह में मतलब जाता है तो इसका टेस्ट, मज़ा आ जाता है खाने में, इसलिए हमने पहले इसको भून लिया है। जैसे हम चने को बनाते हैं ना तो पानी वगैरह कुछ नहीं पड़ती है और खाते टाइम बहुत अच्छा लगता है, सौंधा सौंधा, तो वैसे ही इसकी सब्जी लगती है एकदम अलग तरीके, इसका जो पूरा सब्जी का टेस्ट है ना वही चेंज हो जाता है। तो सारी सब्जियों को भूनना है हमें सब कुछ, पहले पानी तो इसमें डलेगा नहीं, पानी इसमें नहीं पड़ेगा, एक बूंद भी पानी नहीं डल जाएगा, ऐसे ही बनेगा ये। आलू को भी हमने डाल के भून लिया है और तरोई को हमने भून लेना है, इसको मिला लेना है अच्छी तरह से, और आँच को मीडियम करके ढक देंगे ना तो पानी इसमें आप निकलेगा। तरोई और नेनुआ में, इन सब में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है तो खुद अपने आप निकलेगा, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिला दिया है। और जो भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ हमारे चैनल को, और लाइक भी कर दीजिएगा। आप सभी लाइक करना भूल जाते हैं तो मुझे याद दिलाना पड़ता है, लाइक भी आप सभी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सब्जी को हमने बना लिया है और लगभग आधी सब्जी हमारी देखिए हो गई, तब हम इसमें डाल रहे अमचूर पाउडर, चाट मसाला या फिर नींबू का जूस या फिर विनीगर कुछ हो तो थोड़ा सा खट्टा चीज, इमली, तो मज़ा आ जाता है फिर खाने में, इसलिए हमने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है, अमचूर पाउडर था वही हमने डाल दिया है। तो देखिए सब्जी हमारी लगभग हो गई है, लगभग हो नहीं हो गई है, तो पानी हमने इसमें नहीं डाला है, सारी चीज़ों को भून के बस छोड़ दिया था, बराबर चलाते गए थे और ये बन के तैयार हो गया है। तो सब्जी बन के दिखाते हैं आप सभी को कि कैसी बनी हुई है, पास से देखने में कैसी लग रही है। देखिए पानी इसमें नहीं गया है बिल्कुल भी, तो मतलब खाने में बहुत टेस्ट, क्या बताऊँ मैं, बता नहीं सकती, एक बार आप सभी ट्राई कीजिएगा तब बताइएगा। आलू भी हमने डाल दिया था। अच्छा हाँ, चावल के साथ जिनको खाना है ना वो थोड़ा सा ग्रेवी रख सकते हो, जिससे पानी डाल के थोड़ा सा ग्रेवी रख सकते हैं, और वैसे तो ऐसे ही बहुत टेस्टी लगती है, चावल के साथ भी खाने में मज़े आएंगे। देखिए तो दोस्तों अभी देखिए फिर से हम चूल्हे में ही हैं और सब ने खा पी लिया है, शाम का टाइम हो गया है और चूल्हे में ही हमारी देखिए खटिया है। जब बारिश होने लगती है तो यहीं पे चारपाई खींच लेते हैं और उधर भूसा रखा हुआ है क्योंकि बारिश जैसा मौसम बना है, बना नहीं, बूंदियाँ हो रही हैं धीरे धीरे, तो गाँव में हमारे रिमझिम रिमझिम थोड़ी थोड़ी सी रह के बारिश हो रही है। इधर देखिए कपड़े गिर के फैले हुए हैं तो इन्हें मुझे उठाना है, और छत पे मैं आ गई थी, यहीं पे बैठी थी थोड़ा सा, शाम के 5:30 बज गए हैं, तो ब्लॉग का समाप्त करते हैं। और मुझे आप सबको एक चीज़ बतानी थी, खुशखबरी देनी थी कि मेरी सोना का बर्थडे आने वाला है, तो अभी 3-4 दिन है तो वो ब्लॉग तो आप सभी को देखने को मिलेगा ही, लेकिन हमारी सोना बहुत खुश है, रोज़ पूछती है मम्मी कब है हमारा बर्थडे, कब है हमारा बर्थडे, तो पितर पक्ष में ही है, दिखाएंगे आप सबको ब्लॉग, मुझे आप सबको बताना था। नैन्सी बार बार बता रही, बूंदी पड़ने लगी है तो हम कपड़ों को हटा लेते हैं जल्दी जल्दी से, नहीं तो भीग जाएंगे ये सब, सूखे हैं कपड़े।
तो दोस्तों आज के ब्लॉग को ख़त्म कर देते हैं, मिलेंगे आप सभी को अपने कल के नए वीडियो में। साड़ी देख रहे हैं कैसे कैसे पड़ी है, उड़ करके हवा चल रही थी ना तेज, तो हवा की वजह से साड़ी भी उड़ गई। और सब कुछ तो बाकी सब तो रखा ही है, कोई बात नहीं है, आ जाइए बारिश देवता। अच्छा लग रहा है रिमझिम रिमझिम, और बच्चे बारिश में नीचे खेल रहे हैं, देखिए ये देखिए, वो देखिए दिखा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल के नए वीडियो में, बाय बाय।